दोस्तों आज हम आए अपने वर्मी कंपोस्ट बेड के यहाँ पे। ये आप पहले शॉर्ट्स में आपको सही से दिखा नहीं था, तो ये दिख रहा आपको पूरा वर्मी बेड आपको दिख रहा होगा। ये 5 या 6 फुट चौड़ाई है इसकी और 50 फीट इसकी लंबाई है इस बेड की, है ना। और इसके अंदर हमने 30 फीट के समथिंग इसमें हमने अभी गोबर डाला था 1 महीने पहले, तो वो इसमें अच्छे से बन रहा है अपना वर्मी कंपोस्ट। पहले जो सोर्स डाला था ना उसमें क्या है कि पूरा बेड नहीं आया था, वो डालने के बाद मैंने जब उसको देखा तो पता चला कि इसमें पूरा बेड नहीं आया है, वो कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से हुआ था। जो वीडियो बनाते उसमें कुछ दिक्कत आई थी, इसकी वजह से उसने शॉर्ट्स में आधा ही लिया उसको। अब आपको दिख रहा होगा पूरा बेड, ये रही हमारा पूरा बेड। और ये जो अपना वर्मी कंपोस्ट बन रहे हैं अच्छी, ये आपको केचुए भी दिख रहा होगा, ये रह गए केचुए और अपन निकालेंगे अंदर से। अच्छी क्वांटिटी में रहता है ये केचुआ, है ये अंदर जा रहा है क्योंकि ऊपर ऊपर का बन चुका है, तो ये अंदर जा रहा है। ये अच्छा बन गया है वैसे भी, इसको अपन ऊपर से निकाल भी सकते हैं, ऊपर ऊपर से अपन चाहे तो इसका पूरा जो बन चुका है उसको निकाल सकते हैं, और केचुआ वापस अंदर चाहेगा तो जल्दी बन जाता है। लेकिन अपन इसको निकालेंगे नहीं, अपन सब उसका एक साथ ही निकालेंगे क्योंकि मेहनत ज़्यादा लगती है बार बार निकालने में, तो पूरा 3 महीने में जब बन जाएगा तो उसके बाद ही हम इसको पूरा हार्वेस्ट कर लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे पूरा। उसके बाद जो केचुए बचेंगे उनको साइड में करके अपने पास अभी और बेड भी रखा हुआ है, दूसरा प्लास्टिक वाले बेड भी हैं जिसमें अपन बनाते हैं 4 बेड, वो भी हैं, उसका वीडियो मैं और कभी बनाऊंगा। तो अभी हम इसमें अंदर डालने वाले हैं ट्राइकोडर्मा, जो हमने शॉर्ट्स में बात करी थी कि 3 से 4 केजी हम ट्राइकोडर्मा डालेंगे, तो हम 3 केजी अपना ट्राइकोडर्मा लेके आए हैं जो हम इसके अंदर डालेंगे, ताकि ट्राइकोडर्मा इसके अंदर अच्छे से मल्टीप्लाई हो जाए। क्योंकि गोबर के अंदर और ऑर्गेनिक कार्बन के अंदर वर्मी कंपोस्ट के अंदर जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ पे अच्छी तरीके से ट्राइकोडर्मा अपना मल्टीप्लाई होता है। हम गुड़ वगैरह इससे नहीं करेंगे, क्या पता उसमें क्या दिक्कत आती है, क्या इशू आती है, अपने को पता नहीं है। क्योंकि गोबर के अंदर जो अपन सबसे ज़्यादा खेत में यही डालते हैं, तो इसी में सबसे अच्छा तरीका मानता हूँ मैं इसको ट्राइकोडर्मा को मल्टीप्लाई करने का। अब इसको अपन 1 महीना भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपन इसके अंदर पानी डालते रहेंगे तो नमी बरकरार रहेगी, तो अपना अच्छे से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके अंदर, है ना दोस्तों। तो आप भी अगर कभी ट्राइकोडर्मा डालते हो खेत में तो ऐसे ही गोबर के अंदर या अपने वर्मी कंपोस्ट के अंदर ही उसको मल्टीप्लाई करें, उसके बाद ही डालें, तो उसका रिजल्ट थोड़ा अच्छा मिलेगा अपने को, क्योंकि वो मल्टीप्लाई ज़्यादा हो जाएगा। बाकी और तरीका अच्छा नहीं रहता है मल्टीप्लाई करने का, क्योंकि अगर इतनी अच्छी क्वांटिटी में अगर अपन गुड़ के थ्रू या पानी के थ्रू अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कंपनी वाले इतना महंगा जो अपना ट्राइकोडर्मा है वो सेल नहीं करते हैं, जहाँ तक मेरा अनुमान है। क्योंकि अपन जो 200, 250, 300 रुपये के हिसाब से ट्राइकोडर्मा लेके आते हैं, इसमें 1% ही होता है कि नहीं, आपको ही पता है ये बात। तो इसलिए इसको ऑर्गेनिक कार्बन ही मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका है इसको मल्टीप्लाई करने का, तो हम इसी के अंदर डालेंगे। और ये जो हमारी आधी खेर बची हुई है अभी, इसमें हमने गोबर नहीं डाला है, हम डालेंगे। और मैंने आपको बता देता हूँ, इसके अंदर मैंने अपना जीवामृत रेडी हो रहा है, मैंने आधा ही भरा है इसको अभी। इसमें अभी बेसन डालना बाकी है, परसों बनाया था मैंने, बेसन रह गया था मेरा इसमें डालने का, तो बेसन में डाल दूंगा, केवल बेसन डालना रह गया है। तो अपन इस वीडियो में अपन केवल बात करेंगे अपने ट्राइकोडर्मा मल्टीप्लाई की, तो हम इसी में अंदर ट्राइकोडर्मा डालेंगे दोस्तों। तो इसके अंदर 3 केजी ही डालेंगे हम, क्योंकि 3 केजी से अच्छा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से 1.5 महीने में। तो दोस्तों आप भी इसी तरीके से ट्राइकोडर्मा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को यही तरीका सबसे बेस्ट लगा है अभी तक। तो दोस्तों हमने अपना ट्राइकोडर्मा जो 3 केजी जो 1 केजी की पैकिंग में था उसको फाड़ लिया है,
और हम इसके अंदर डाल देंगे। और हमने जो अपना पावड़ा, आप क्या बोलते हैं पता नहीं, हमारे देश को पावड़ा बोलते हैं, उसके अंदर हम इसको मिक्स कर देंगे। ये ट्राइकोडर्मा डाल देते हैं इसमें सारा। इससे केचुए में कोई फ़र्क नहीं आएगा दोस्तों, आप भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने पहले एक बेड में डाला था अपने, जो अपने गवर्नमेंट से पास होता है एक बेड, उसके अंदर मैंने ट्राइकोडर्मा डाला था, तो उसमें मेरे को अच्छा रिजल्ट मिला था, अच्छे से मल्टीप्लाई भी हुआ था। मैंने उसको 10 दिन से ज़्यादा नहीं रखा था, मैंने अपने 3 kg डाल दिया इसमें, आप देख सकते हो। अपन थोड़ा और इधर भी डाल देते हैं, फिर इसको अपन अच्छे से मिक्स करके, अच्छे से मिक्स करके इसको अपन पानी डाल देंगे। और फिर हमारे पास जो ये नेट रखी हुई है, ये इसके ऊपर मैंने ढक रखी थी, तो इसके ऊपर पानी डालने के बाद पूरा इसके ऊपर अपन ढक देंगे। तो दोस्तों आप भी इसी तरीके से अपना ट्राइकोडर्मा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, ये मेरी फुल गारंटी है, क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा इसी में होती है, और ऑर्गेनिक कार्बन सबसे ज़्यादा गोबर में ही होता है दोस्तों, तो इसी में सबसे अच्छा तरीका है अपना ट्राइकोडर्मा मल्टीप्लाई करने का। तो आप भी इसी तरीके से अपना ट्राइकोडर्मा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और उसको अपनी खेती के हिसाब से जो भी फसल आप लेते हो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो। और यूज़ इसको डालने के बाद आप इसमें पानी पिलाओगे तो और अच्छा रहेगा, ताकि ये ज़मीन में घुल जाएगा और अपना काम स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा आपको ये वीडियो, अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर बनता है आपकी तरफ से।